Hello and welcome to Tele Express, your one-stop destination for all entertainment news. और दोस्तों, इंडियन आइडल के सेट से आई है एक हैरान कर देने वाली खबर. जी हाँ, हमारी प्यारी बिदिप्ता चक्रवर्ती लड़ी इंडियन आइडल के मेकर से, जिसकी वजह से सब लोग हो गए हैरान और यहाँ तक कि हिमेश रेशमिया के तोड़ गए थे होश. जी हाँ दोस्तों, क्या थी बड़ी वजह जिसके पीछे बिदिप्ता लड़ी इंडियन आइडल के मेकर्स के साथ और इन दोनों में हुई बहुत ज़्यादा बहसबाजी. दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आज की इस रिपोर्ट में. लेकिन उससे पहले, अगर नहीं किया है आपने चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक और शेयर. दोस्तों, बिदिप्ता चक्रवर्ती की हुई इंडियन आइडल 13 के मेकर से जमकर लड़ाई. सब लोग देखते रहे बिदिप्ता का चेहरा. जी हाँ दोस्तों, बिदिप्ता ने लगाई थी इंडियन आइडल के मेकर्स को जमकर फटकार. इतना ज़्यादा सुना दिया बिदिप्ता ने इंडियन आइडल के मेकर्स को और फिर उन दोनों के बीच हो गई जमकर बहसबाजी. जी हाँ दोस्तों, अब क्या थी वजह जिसकी वजह से बिदिप्ता और इंडियन आइडल के मेकर्स में लड़ाई हुई. तो दोस्तों, इंडियन आइडल के शो मेकर्स बार बार बिदिप्ता और ऋषि का लव एंगल दिखाते रहते हैं, जिसकी वजह से बिदिप्ता को अपनी फैमिली में बहुत हेट्रेड फेस करना पड़ता है. बिदिप्ता नहीं चाहती कि उसकी पर्सनल लाइफ पब्लिक करी जाए और इंडियन आइडल के मेकर्स इतना ज़्यादा उनके रिश्ते को दिखाएं शो पर. वेल, इसीलिए उसकी लड़ाई हो गई इंडियन आइडल के मेकर्स के साथ और दोनों में बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो गई. वेल दोस्तों, बिदिप्ता को पहली बार किसी से लड़ता देख तो सबके होश ही उड़ गए थे. लेकिन इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. वीडियो को करें लाइक और शेयर.